नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश के भिंड के एमजीएस मैदान पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने हाथ में संविधान लेकर कहा कि ये कोई मामूली किताब नहीं है। आजादी के पास किसानों, गरीबों, मजदूरों, पिछड़ों, आदिवासियों को जो भी कुछ मिला है इस किताब के कारण मिला है। अब पीएम शाह और उनके सांसदों ने मन बना लिया है कि वो चुनाव जीतेंगे, तो इस किताब को पीएम नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और उनके सांसदों ने ये मन बना लिया है कि वो चुनाव जीतेंगे तो इस किताब को फाड़कर फेंक देंगे। बीजेपी चाहती है देश को 20-25 अरबपति चलाएं। दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इसको बदल सके। ये हिंदुस्तान के लोगों की आत्मा है। कांग्रेस और अम्बेडकर ने हिंदुस्तान की जनता से मिलकर लड़ाई की और ये संविधान बनाया, इसको ऐसे मिटने नहीं देंगे। आप आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, तो प्राइवेटाइजेशन क्यों किया? अग्निवीर योजना क्यों लाए? आप अरबपतियों का कर्जा माफ करते हो। 16 लाख करोड़ रुपया 20-25 लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने माफ किया है। मैं पूछता हूं, कितने मजदूरों का कर्जा माफ किया है? 22 लोग हैं बीजेपी के मित्र, नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। राम मंदिर के उद्घाटन में सारे वहां बैठे थे। आपने वहां किसी गरीब को देखा? वहां हजारों करोड़ वाले लोग थे, वहाँ बॉलीवुड वाले थे। 2-3 अरबपतियों को सारा का सारा धन दिया जाता है। रेलवे देखो अडानी, सोलर पावर देखो अडानी। किसान जानता है हमारे जेब से पैसा निकालने की कोशिश हो रही है। मोदी कहते हैं आतंकवादी हैं। ये हालत है देश की, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की। आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हर युवा ये बात जानता है। सबसे ज्यादा महंगाई आज है। महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना होगी। हम सीधे बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे। हर गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी। हर परिवार से एक महिला का नाम चुना जाएगा। साल में 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। हर महीने 8500 रुपए हर महीने की 1 तारीख को सरकार आपके खाते में डालेगी। अरबपतियों के बेटे अपने पिता की कंपनियों में अप्रेंटिस करते हैं, उनको पैसा मिलता है। ये उनको कंपनी में डालने का मौका होता है। हमारी सरकार दुनिया की पहली सरकार होगी जो हर ग्रेजुएट को ये अधिकार देने जा रही है। आप सरकार से 1 साल की गारंटी की नौकरी मांग सकते हो। 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। हम 6 महीने में आपके हवाले कर देंगे। सेना में युवा जाते हैं, सबसे ज्यादा भिंड से। मोदी जी ने 2 तरह के जवान बना दिए। एक को कैंटीन और अच्छी सैलरी मिलेगी, दूसरा जिसे ये नहीं मिलेंगे। एक को जवान, दूसरे को अग्निवीर कहते हैं। आप सोचिए, 2 लोगों को युद्ध में भेज रहे हो। एक से कह रहे हो आपको कुछ हुआ तो हम आपके परिवार की रक्षा करेंगे, और दूसरे जवान से कह रहे हैं कि आपको कुछ हुआ तो कोई पेंशन और मदद नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा भी मिलेगा। मोदी जी ने सेना का अपमान किया है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।